न्यूट्रेला फूड तक में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ सबा काजी और आज हम बनाने जा रहे एक महाराष्ट्रन डिश कॉल्ड सोया आमटी विद मटकी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे न्यूट्रेला का रिफाइंड सोयाबीन कुकिंग ऑयल। तेल हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम ऐड करेंगे साबुत राय, साथ ही साथ हींग। जैसे हींग की महक आने लगे वैसे ही हम कटे हुए प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज को हल्का ब्राउन करने के बाद चॉप्ड टमेटोज इसमें ऐड करेंगे। प्याज और टमाटर को हमें थोड़ा नरम होने देना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी प्यूरी जैसे हो जाए। प्याज और टमाटर नरम हो चुके हैं अच्छे से। अब इसमें हम बाकी की सामग्री ऐड करेंगे, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा पाउडर। अब इन सारे मसालों को हमें अच्छे से भुनना है ताकि प्याज और टमाटर जो पहले ही नरम हो चुके हैं उसमें इन सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से ऐड हो जाए। मसाला भी अच्छी तरह भुन चुका है तो अब ऐड करेंगे सोया के प्री कुक्ड चंक्स। सोया, जैसे कि आप जानते हैं, रिच इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन और बिल्कुल फैट फ्री, तो ज़रूर इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। इट्स अ हेल्दी ऑप्शन फॉर योर फैमिली। और अब हम ऐड करेंगे स्प्राउट्स, जिसे महाराष्ट्र में मटकी के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे क्योंकि हमें अमटी बनाना है। अमटी मतलब खट्टी ग्रेवी, तो बिल्कुल पानी उतना ही ऐड करना है जितना आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी खटाई, जिसके लिए हमारे पास है टैमरिंड पेस्ट। सारे मसाले इसमें जा चुके हैं, अब बस इसे हमें थोड़ा सा बॉईल करना है। हमारी सोया अमटी विद मटकी तैयार हो गई है। अब इसमें आखिरी इंग्रेडिएंट जाएगा जो है जैगरी। जैगरी इसमें इसलिए ऐड होता है जस्ट टू गिव इट दैट टैंगी येट स्वीट फ्लेवर, खट्टा मीठा। तो अमटी जरूर ट्राई कीजिएगा आप अपने घर में भी। फिलहाल हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। अब गार्निशिंग के लिए थोड़ी चॉप्ड कोरिएंडर हम इस पे स्प्रिंकल करेंगे। तो तैयार हो गई है हमारी सोया अमटी विथ मटकी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये महाराष्ट्रन डिश आप अपने घर में। स्टीम्ड राइस हो या पाव हो, दोनों के साथ बड़ी लजीज लगती है। न्यूट्रेला फूड तक को यूं ही देखते रहिएगा। लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलिए।